नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज जयपुर डायलॉग्स समिट DFI जयपुर डायलॉग्स समिट 2023 में रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। वैसे तो कल ही बंद होने थे, लेकिन आप लोगों के विशेष अनुरोध पर एक दिन इसको बढ़ा दिया गया है। और QR स्कैन करके आप अवश्य हमें सहयोग करें इस इवेंट के लिए। NCERT ने यह निर्णय ले लिया है कि सभी पुस्तकों में, चाहे वो हिंदी की हों या अंग्रेज़ी की हों या किसी भी और भाषा की हों, उसमें जहां भी इंडिया लिखा है उसको भारत कर दिया जाएगा। वस्तुतः यह लागू तो केवल अंग्रेज़ी पुस्तकों पर ही होगा, क्योंकि जो भारतीय भाषाओं की पुस्तक हैं सारी भारतीय भाषाओं में उसको तो भारत ही लिखा जाता है। तो एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सांकेतिक प्रयास अवश्य है मेंटल डीकॉलोनाइजेशन को समाप्त करने, मेंटल डीकॉलोनाइजेशन करने का, मानसिक गुलामी को समाप्त करने का। अब ये आपको पता है कि मानसिक गुलामी जो है, पिछले वर्ष की जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस थी, स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण था लाल किले से, उसमें यह वायदा किया था कि सब हम, हमारे जो पंच प्राण या पंच प्रण हैं, वे उनमें से मानसिक गुलामी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक गुलामी की समाप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी दिशा में ये एक सांकेतिक प्रयास अवश्य है। वैसे तो NEP बनाने में और NEP के पूरा जिसको फ्रेमवर्क बनाने में इतना समय लगा दिया, अब जो है वो टेक्स्ट बुक्स की अलग अलग कमिटीज़ बन रही हैं। हम देख रहे हैं कि उसमें इतना धीमे काम हो रहा है कि निश्चित रूप से संभवतः यह प्रयास हो रहा है कि भाई ये 2024 का चुनाव जीत लें, उसके बाद ही आगे का कार्य करें, क्योंकि उसमें फिर कुछ थोड़ी सी परमानेंस आ जाएगी, कुछ जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्थापत्य आ जाएगा उसके अंदर। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या केवल भारत कर देने से जो NCERT की पुस्तकों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी? कतई नहीं होगी, क्योंकि NCERT की जो पुस्तकें हैं वो इतने वर्षों से और पूरी तरह से जो वामपंथी हैं और जो आपके कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, सांस्कृतिक मार्क्सिस्ट हैं, वो ग्रैम्शी वाले और वो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, इनके सबके हाथों में ये प्रोग्रेसिव राइटिंग रही है। और आपको पता है कि पूरे विश्व में प्रोग्रेसिविज्म के नाम पर पूरी तरह से जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य कुटुंब हैं, उनके साथ घोर अत्याचार और अनाचार हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है। और उसकी ही परिणति आप देख रहे हैं अमेरिका में वोकिज्म के रूप में। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ NCERT से कि भाई आपके हिस्ट्री सिलेबस में, इतिहास के पाठ्यक्रम में, आपके सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में, आपके साइंस और मैथमेटिक्स में, इनमें सब में ये जो डीकॉलोनाइजेशन या मानसिक गुलामी समाप्त करने की जो एक धारा है, इसका आविर्भाव कब होगा? जहाँ तक इतिहास की पुस्तकों का प्रश्न है, तो इतिहास की पुस्तकों में ये बताया गया है कि निर्णय ले लिया गया है कि भाई जो सारे के सारे जो काल हैं भारतीय इतिहास के और भारतीय परंपरा के, उनका आनुपातिक रूप में चित्रण होगा। वरना हम तो ये देखते थे कि साहब की सारे मुग़ल बादशाहों पर एक एक चैप्टर अलग अलग से है, कि साहब बाबर पर अलग और हुमायूं पर अलग और अकबर पर अलग और जहांगीर पर अलग और शाहजहां पर अलग और औरंगज़ेब जैसे दुर्दांत दुष्टात्मा पर भी एक अलग सा चैप्टर, इतने सारे अलग अलग चैप्टर हमको केवल एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ाए जाते हैं जिसका पूर्ण कार्यकाल लगभग 151 वर्ष का है। क्योंकि औरंगज़ेब के बाद का जो कार्यकाल है, तो वो कार्यकाल करने बताने लायक तो है ही नहीं जी।
1707 1556 से 1707 यही एक मुग़लों का काल है। 1707 के बाद से तो मुग़ल साम्राज्य का विखंडन आरंभ हो गया और मराठों ने पूरा दक्षिण अपने हाथ में कर लिया और उसके बाद फिर 1803 तक यहाँ पर मराठा साम्राज्य रहा भारत में। 1803 में दिल्ली में मराठों को हरा के जब अंग्रेज़ दिल्ली पर काबिज़ हुए तब एक प्रकार से अंग्रेज़ों की असली सत्ता का आरंभ होता है। और फिर 1818 में जो चौथा जो एंग्लो मराठा वॉर होता है उसमें समाप्त करते हैं ये मराठों के पूरे अस्तित्व को भारत से। ये तो लिखा ही नहीं है। विजयनगर पर केवल एक पैराग्राफ है और चोल साम्राज्य पर भी एक पैराग्राफ है। अब चोल साम्राज्य जो है यहाँ पर लगभग 1200 वर्ष रहा है भारत में, मुख्यतः दक्षिण में लगभग 1200 वर्ष रहा है और विजयनगर साम्राज्य भी 250 वर्ष से अधिक रहा है। लेकिन एक जो 150 वर्ष का साम्राज्य है उसको तो दिखाते हैं, 5 और 6 चैप्टर्स बनते हैं उसके। और न केवल ये, उसको बार बार दसवीं के पाठ्यक्रम में भी है, 12वीं के पाठ्यक्रम में भी है। और जब उसकी दरबार किसा मुग़ल दरबार कैसा था इस चैप्टर को हटाया जाता है क्योंकि उसको पहले से 10वीं में पढ़ाया जा गया, या 10वीं से हटाया जाता है क्योंकि उसको 12वीं में भी पढ़ाया जा रहा है। तो उसके ऊपर हमारे जो ये लेफ्टिस्ट लिबरल पंचमक्कार जो हैं उसके ऊपर हाय तौबा मचाते हैं। ये स्थिति हो गई है। समाजशास्त्र को ही देख लीजिए, समाजशास्त्र में पूरा जो है हमारा इन्होंने हमारे समाज को जातियों, बल्कि जाति तो क्या कहेंगे, जातियां तो यहाँ सदैव से थीं और जातियों में कभी ऐसा विद्वेष था भी नहीं। जातियों का जो विद्वेष है वो कास्ट बना के और कास्ट कंस्ट्रक्शन करके अंग्रेज़ों ने आरंभ किया और लेफ्टिस्ट उसको आगे इस स्थिति तक ले आए हैं कि अब राहुल गांधी जैसे भी जो हैं वो खड़े खड़े सिर्फ कास्ट 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 चिल्लाते हैं, जैसे कि भारत में कास्ट के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं है। तो पूरी तरह से एक समझ ले कि एक इनका विसंस्कृतिकरण हो गया है, जिसको समाजशास्त्र में संस्कृताइजेशन कहते हैं। ये डिसंस्कृताइजेशन हो गया राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। यानी वो लोग जो संविधान लिखते हैं समानता के अधिकार के ऊपर और जो कहते हैं कि जातिवाद बुरा है, वो स्वयं अब रिवर्स जातिवाद को कहते हैं कि साहब कि यही जातिवाद का एक हल है। भाई जी, रिवर्स कास्टिज्म इज ऑल्सो कास्टिज्म, और कास्टिज्म को रिवर्स कास्टिज्म से समाप्त किया जा सकता है ऐसा तो कोई मूर्ख ही समझ सकता है, और मूर्खों की कमी नहीं है। कह गए साहब, उल्लुओं की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तो यहाँ इस तरह के उल्लू जो हैं वो जगह जगह भटक रहे हैं, और ऐसी पार्टी जो एक मानी जाती थी कि साहब की दिस इज़ अ वाइड अम्ब्रेला, वो पार्टी जो है इसको लेके घूम रही है। इसमें एनसीईआरटी का भयंकर योगदान है। उन्होंने पूरा का पूरा जो कास्ट का नैरेटिव रिजली ने आरंभ किया था, लॉर्ड रिजली बना जो बाद में, उसको लेके और पूरी की पूरी जो ये आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी का तमाशा जो इतिहास और समाजशास्त्र में डाला हुआ है एनसीईआरटी ने, उसको लेके पूरे समाज में एक विभाजन के बीज बोए हुए हैं। भाई बच्चों को थोड़ी पता चलता है कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और आज जब पूरा का पूरा नैरेटिव बदल चुका है, तब जो भारतीय इस पर शोध कर रहे हैं और ये प्रामाणिक रूप से दिखा रहे हैं कि जो R1A1 जिसको आर्यन जीन कहा जाता है, वो भारत में 4500 वर्ष पूर्व से उपस्थित है, उसके बाद भी इनका आर्यन द्रविड़ियन प्रेम नहीं जाता कम से कम, और सभी ग्रुप्स में मिलती है, यहाँ तक कि जो आदिवासी ग्रुप्स हैं उसमें भी वो R1A1 जीन मिलती है। लेकिन नहीं, NCERT को तो आर्य और द्रविड़ जो है वो अलग अलग बताने हैं। ये बताने हैं कि साहब के आर्य जो थे वो लुटेरे थे, बाहर से आए थे, ये सब अभी भी लिखा हुआ है।
तो भाई एनसीईआरटी जी, आपने भारत नाम तो बदल दिया, ठीक है, अंग्रेज़ी की किताब में भारत कर दिया, हिंदी और भारतीय भाषाओं में तो पहले ही से ही था, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं इतिहास और समाजशास्त्र की पुस्तकों का जो आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है वो कब होगा, और साथ में जो विज्ञान है, अब विज्ञान में भारतीय विज्ञान का इतिहास ही नहीं बताया जाता, जब हम जान रहे हैं आज के दिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय विज्ञान जो है वो पाश्चात्य विज्ञान से हजारों हजारों वर्ष प्राचीन है, उसमें क्या क्या था उसका कम से कम इतिहास तो बताइए। ये तो बताइए कि जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम यूक्लिड की ज्योमेट्री के नाम से पढ़ते हैं, वो सब हमारे शुल्ब सूत्रों में पहले से विद्यमान थी। कैसे गणित, कैसे शून्य, किस प्रकार से हमारी गणित जो है वो एक प्रैक्टिकल गणित है, और किस प्रकार से आजकल जो गणित पढ़ाई जाती है वो एक मेटाफिजिकल, जिसको हम कह सकते हैं वो चर्च की इंस्पायर्ड, चर्च से प्रेरित गणित है, ये सब बातें तो बताना पड़ेगा ना। जब तक ये नहीं बताएंगे तो खाली एक ये सांकेतिक परिवर्तन करके क्या हो जाएगा। वैसे हम कहते हैं कि भाई आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने कम से कम भारत नाम तो है एक, उसको आपने सभी जगह प्रसारित किया, उसकी एक आपने एकीकृत आपने एक मानदंड बना दिया, उसके लिए आपको आपका स्वस्ति वाचन। लेकिन ये है, फिर से कहूँगा कि ये बहुत कम है, अभी बहुत रास्ता बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।